हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड लूसेंट बुक से जीके क्वेश्चन कराऊँ जो कि इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए यहाँ पे इसका पहले पार्ट भी देख लीजिएगा। 26 नंबर दिया गया, 26 नंबर क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो जो जापान है मतलब टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो होती है तो वहाँ पर है, ठीक है। टोक्यो भी लिख के आ सकता है या तो फिर जापान, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 2020 ओलंपिक खेल आपके टोक्यो में होते हैं। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो साइना नेहवाल आपके बैडमिंटन से हैं, ठीक है। और 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये दिया गया अच्छा क्वेश्चन था, है 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो 1900 में लिया था, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कल्लम मणिश्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों को लौटो, तो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह सकते हो। 131 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल के फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती? कैल्शियम जो होता है, CA होता है, जो उस CA परमाणु संख्या 20 होती है, ठीक है, तो उसके वजह से हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत सेन, ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैसे भी GK तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये दिया गया था, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस से, जो भिलाई था इसे याद कर लिए, भिलाई इस्पात है जो रूस से किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन क्वेश्चन मैं फिर से बताऊं क्योंकि यही आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र जो नोबेल पुरस्कार था, अर्थ इसमें RR है, इसमें भी RR, तो थोड़ा आपको चार ऑप्शन मिलेंगे तो उससे थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, जैसे कि अभी पता चल जाएगा अर्थशास्त्र से RR तो आप याद रहेगा आपको कि अमर सेन थे, ठीक है, थोड़ा ऐसे करके याद कर लीजिए। और दिया गया था बिस्मिल्ला खान जो थे आपके सेनाई से रिलेटेड है, ये आप देखिए ये बहुत प्रसिद्ध भी लिखा भी है, विख्यात रहे हैं वादन में, तो ये अक्सर पूछा भी जाता है तो इसको याद कर लीजिएगा, ये देखो इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्ला खान थे जो सेनाई से रिलेटेड है। ये तो हो गया, रूस हो गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तबाही थी, विश्व की बात होती तब। देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है, हाँ देखिए अब ये लिखा है, क्वेश्चन है अच्छा है लिखा है, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? यकृत को भी लीवर कहा था, लीवर को भी यकृत कहा जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है या कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल जो नियम है, पास्कल का नियम वो है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। LPG जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित? अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, अशिक्षित कह सकते हो। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी लाला हरदयाल संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की थी? अंगद ने, ठीक है। लंगर में गा रहा, अंगद में भी गा रहा, लंगर संगर हो जाएगा तो अंगर देव होते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और सबसे प्राचीन वेद क्या? ऋग्वेद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आता भी होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लूसेंट बुक से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जो